नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली मास कम्युनिकेशन वालों के लिए है। अगर आप कोई अन्य सब्जेक्ट से हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन के अंदर आप चाहे जेआरएफ का नेट का पेपर दे रहे हैं या आप बीएमसी कर रहे हैं या एमएमसी कर रहे हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए कि आपको इसकी लगातार क्लासें चाहिए। अगर आप कहेंगे, आपका अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं आपको इससे रिलेटेड लगातार क्लासें दूंगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सबसे पहले जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, यह कम्युनिकेशन है। जब भी हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, किसी भी जरिए से अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द है जो लैटिन भाषा के कॉमन्स शब्द से बना है। इसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। यानी संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारंपरिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। यह जीवन का अभिन्न अंग है। संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक या सांकेतिक होता है। माध्यम बातचीत, विज्ञापन, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, ईमेल, पत्राचार आदि के द्वारा हम जो भी सूचना एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की। दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन संचार की जो परिभाषाएं हैं, मुख्य मुख्य परिभाषाएं मैं आपको दे रहा हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर इनको लिख कर आएंगे तो आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको करवा रहा हूं। पहली परिभाषा है कोलमैन तथा मार्स के अनुसार, वह सभी शैक्षिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि क्षेत्र में चलाए जाते हैं संचार कहते हैं। ये कोलमैन और मार्स के द्वारा कहा गया है। किथ डेविड के अनुसार, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। आप इनको याद रख सकते हैं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है www.gkraftar.in raftar.in उस पर विजिट कर सकते हैं और उसको इधर मास कम्युनिकेशन सेक्शन में आप अध्ययन सामग्री आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है वारेन वीवर के अनुसार, वारेन वीवर ने कहा है कि संप्रेषण वह सभी प्रविधियां हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करते हैं। अमेरिकन कॉलेज शब्द कोश के अनुसार, संप्रेषण कथन, लेखन तथा प्रतीकों द्वारा विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान या उसमें भागीदारी है। ये अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश के अनुसार है। आप इन तीन चार को याद कर लें, इन्हीं को पेपर में लिख कर आएं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व विषय को अपने तरीके से मन में परिवर्तित करता है, जिसे संकेतन कहा जाता है। जब आप कोई विचार करते हैं कि आपको सामने वाले को क्या बोलना है, उसे संकेतन कहा जाता है। इसी प्रकार सूचना ग्रहण करने वाला अपने तरीके से उसे समझता है। जिसे आपने कोई बात कही, अगला उसको समझेगा, अपने दिमाग के अनुसार समझेगा, वह उसे ग्रहण करता है, उसे विसंकेतन कहते हैं। और इस सूचना को पहुँचाने के लिए किसी माध्यम का भी प्रयोग किया जाता है, उसे माध्यम कहते हैं, मीडियम कहते हैं। यानी आपके किसके द्वारा उसको ये सूचना दी, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। संचार की प्रक्रिया इस प्रकार चलती है। विचार सबसे पहले होगा, विचार या मैसेज, उसके बाद संप्रेषक, यानी मैं संप्रेषक हूँ आपके लिए, मैं हूँ सेंडर हूँ, मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। उसके बाद होता है संकेतन, मैं बोलने से पहले अपने अंदर से सोच रहा हूँ, उसको कहते हैं कोडिंग, मैं इसको कोडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद होता है माध्यम, हमारा माध्यम YouTube है, मैं YouTube के माध्यम से आपको ये सूचना पहुंचा रहा हूं। उसके बाद होता है विसंकेतक, यानी कि जिसने इसको समझना है, आप इसको समझ रहे हैं, आप है विसंकेतक, यानी आप इसको डिकोड कर रहे हैं। और उसके बाद होता है प्रापक,
उसके बाद हमारी सूचना को आपने रिसीव किया, आप हो प्रापक रिसीवर। उसके बाद आता है संचार के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अभिव्यक्ति के अनुसार सिर्फ संचार के दो ही प्रकार होते हैं, अभिव्यक्ति के अनुसार मौखिक संचार, सांकेतिक संचार। जब हम मुंह से बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं वह मौखिक संचार होता है, और जब हम किसी संकेत या इशारे से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं वह सांकेतिक संचार होता है। जब हम अपनी बात को इशारों में किसी को समझाते तो उसे सांकेतिक संचार कहा जाता है। आगे सांकेतिक संचार के भी प्रकार होते हैं। सांकेतिक संचार के 5 प्रकार होते हैं। नेत्र संपर्क, आप आंखों के इशारों से किसी को समझा रहे हैं, आप किसी की ओर इशारा कर किसी को समझा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी, आपकी गतिविधि से आप किसी के साथ संचार कर रहे हैं, आपके मुख की मुद्रा है उसके अनुसार आप किसी के साथ संचार कर सकते हैं। और अंत में 5 नंबर पर है लिखित संचार, आप लिख कर किसी के पास अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं तो वो भी एक संचार है। अब बात करते हैं संचार के अन्य प्रकार की। इसके अंदर व्यक्तिक संचार सबसे पहले आता है। नंबर 1 व्यक्तिक संचार। यह संचार का ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने आप से ही संचार करता है। इसमें व्यक्ति अपने द्वारा ही अपने विचारों के संकेत को ग्रहण करता है। जब आप मन में कोई सोच रहे होते हैं, आप अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं, यह भी संचार की कैटेगरी में आता है, इसे व्यक्तिक संचार कहते हैं। उसके बाद होता है अंतर्व्यक्तिक संचार। अंतर्व्यक्तिक संचार, एक व्यक्ति का दूसरे से विचारों व भावनाओं के आदान प्रदान से यह संचार होता है। यह दो व्यक्तियों के संपर्क से होता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। उसके बाद होता है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। जब एक व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों से वाद विवाद, विचार विमर्श, गोष्ठी, साक्षात्कार आदि हो तो यह सामूहिक संचार होता है। इसमें सभी को अपने विचार रखने का मौका मिलता है। एक समूह में, एक पूरे ग्रुप के अंदर जो बात की जाती है वो समूह संचार होता है। इसके बाद होता है जन संचार। जन संचार, एक ही समय में बहुत बड़े समूह तक अपनी बात पहुंचाना जन संचार कहलाता है। जैसे रेडियो, टीवी, फिल्म आदि से अपनी बात रखना, इसमें प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को पाना मुश्किल होता है। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया क्या होती है? जब आपके साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, अगर आपको किसी बात को समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप मुझे फीडबैक देंगे, उसी को प्रतिक्रिया कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया उस। लेकिन ये जन संचार है जो रेडियो, टीवी, फिल्म आदि के जरिए से होता है। इसके अंदर हम रेडियो, टीवी, फिल्म के अंदर देख सकते हैं लेकिन उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, उनसे जवाब नहीं ले सकते, इसे जन संचार कहा जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो आगे की चाहिए तभी मैं वीडियो बनाऊंगा।